फिल्म्स, सिनेमा, फीचर फिल्म्स, इन सब में सबसे ज़्यादा दिखने वाले होते हैं एक्टर्स जो पर्दे पर रहते हैं। पर अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि फिल्म का पूरा होने में बहुत बड़ा हाथ उन लोगों का भी होता है जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, चाहे बात हो बैकग्राउंड स्कोर की या विजुअल इफ़ेक्ट्स की। पर आज बात उस इंसान की जो विजुअल इफ़ेक्ट्स की दुनिया से है और हमारी मूवीज़ को बैकग्राउंड में सपोर्ट करने में उसका भी हाथ है। So, क्या हाल चाल, सबको सलाम एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भाई पता है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को ताकि आपको अपडेट्स मिल पाए सबसे पहले। वैभव बजाज, जन्म अक्टूबर 1993 दिल्ली में और बचपन गुजरा शरारते करते हुए लवली पब्लिक स्कूल में। डीजे जॉकी बनने के सपने के साथ वो स्कूल में सॉन्ग मिक्स करते थे और स्कूल में डीजे वैभव के नाम से जाने जाते थे। पर जब ये बात उनके डैड को पता चली तो बहुत नाराज हुए, बोला कि ये सब बेकार की लाइन है, कुछ अच्छा सोचो लाइफ के लिए। लेकिन वैभव का इंटरेस्ट उसी में बढ़ रहा था, साथ ही साथ उन्होंने ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग भी सीखी। और फिर क्या, स्कूल में ही वो अपने वीडियो सॉन्ग्स बनाने लग गए थे और अपने डैड को दिखाने लग गए, तो उनके डैड ने उन्हें 12वीं के बाद BSc इन एनिमेशन करने को भेज दिया। स्कूल से कॉलेज आते आते कब डीजे जॉकी का सपना विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट का बन गया पता ही नहीं चला। साथ में अच्छे दोस्त मिले तो सफ़र और आसान हो गया। 2013 में उनको कामयाबी तब मिली जब वो मुंबई के किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में जॉब करने लगे। मुंबई में उनके कॉलिग्स उन पर हंसते थे क्योंकि वो उनके बीच फ्रेशर्स थे और वैभव को 12 से 15 घंटे जॉब करनी पड़ती थी। 2 साल मुंबई रहने के बाद उनको वहाँ अच्छे क्लाइंट्स और खुद के प्रोजेक्ट्स मिले। वैभव और उसके कॉलेज का फ्रेंड तरुण, जो हमेशा साथ थे, उन्होंने अपना स्मॉल स्टूडियो स्टार्टअप का सोचा। 2015 में वैभव अपनी जॉब छोड़ के दिल्ली आ गए और उनके दोस्त अभी भी मुंबई में ही थे। लेकिन वैभव ने अपने डैड को बोला कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके डैड ने उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में बताया और कहा कि अभी मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ, बाद में इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। उनके डैड ने उनको एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कराई जिसका नाम था इंजीनियरिंग मॉल। वैभव के लिए सफ़र नया था, एक एनिमेटर लाइन से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सफ़र। लेकिन वैभव ने हार नहीं मानी, सब सीखा, सारे क्लाइंट से बात करनी स्टार्ट करी, अपने ट्रेडिंग कंपनी को ऑनलाइन सपोर्ट करा और धीरे धीरे उन्होंने अपने डैड को सपोर्ट करके इस बिजनेस की ग्रोथ करी, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, कंपनी में स्टाफ बढ़ाया। और ऐसा करते करते सितंबर 2016 आ गई जब उनके फ्रेंड तरुण का कॉल आया मुंबई से और बोला कि हम अपना खुद का काम स्टार्ट करें क्या, तो वैभव ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। वैभव ने फाइनेंशियल सारा सपोर्ट करके अपने कॉलेज फ्रेंड तरुण के साथ एक स्टूडियो ओपन करा जिसका नाम था BG Arts Studio, मतलब बैकग्राउंड आर्टिस्ट स्टूडियो, वो लोग जो फिल्मों के बैकग्राउंड में काम करते हैं। उनके स्किल और वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें दिल्ली में काफ़ी क्लाइंट्स मिले। उन्हें 4 फीचर फिल्म्स मिली, शॉर्ट फिल्म्स मिली, वीडियो सॉन्ग्स, वाइन साउंड रिकॉर्डिंग मिलना स्टार्ट हुआ, तब मानो के सक्सेस का सफ़र शुरू हो गया। उन्हें कई अवार्ड्स और एंड क्रेडिट्स में क्रेडिट्स भी मिले। 2 फाउंडर और को फाउंडर से आज ये 40 लोगों की टीम है, पर स्ट्रगल अभी भी जारी है, कामयाबी की सीढ़ियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। कंपनी के 2 साल बाद 2019 में उनकी नई ब्रांच मुंबई में ओपन हो रही है, तो हम आशा करते हैं कि वो हमारे फिल्मों के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएंगे और हमें मोटिवेट करते रहेंगे। काफ़ी लोगों ने उन्हें डिसअपॉइंट करा, उन पे हंसे, लेकिन वैभव ने हमेशा अपने गोल पे फोकस करा। और ये तो जग जाहिर है कि अगर मेहनत और इंटरेस्ट एक ही फील्ड में हो तो कामयाबी अपने पास आ जाती है। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे इसी जगह पे, तब तक के लिए मैं आपके लिए ढूंढता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ धमाकेदार और कुछ इन्फॉर्मेटिव।